रोज धरने होते हैं और उन धरनों का कवर करने के लिए आप जैसे पत्रकार लोगों की समस्याओं को उठाने के लिए सरकार तक पहुंचाने के लिए वो यहाँ पर आते हैं, लेकिन आज उल्टा है। आज पत्रकारों को ही इस जंतर मंतर पर आना पड़ा है, अपनी समस्याओं को, अपने मुद्दों को, अपने विचार को इस सरकार के पास सुनाने के लिए। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि डेमोक्रेसी का जो चौथा खंभा है वो पत्रकार है, जर्नलिस्ट है, जर्नलिज्म है। यदि किसी भवन का एक खंभा अगर कमजोर हो जाए तो उस भवन की क्या हालत होती है, ये हम समझ सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, चाहे केंद्र की हो या प्रदेश की हो, लेकिन पत्रकारों की, जैसे भी पुराने वक्ता पूर्व वक्ता बात कर रहे थे कि उनकी स्थिति दस की तस बनी हुई है, दस की तस नहीं है, दिन ब दिन जो है वो और बदतर होती जा रही है। आए दिन पत्रकारों पर हमला होता है, पत्रकारों का मर्डर होता है, पत्रकारों को संस्थान जो है बिना नोटिस दिए निकाल देते हैं, उनको वेतन नहीं देते हैं। अगर आप अपनी समस्याएं, अपनी मांगे लिखने लगे तो मुझे लगता है पेज दर पेज हम लिखते जाएंगे, लेकिन कहीं तो उसको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा कि इसके आगे नहीं, इसके आगे कोई जो है हत्या नहीं, इसके आगे पत्रकारों की सिक्योरिटी का जिम्मा कौन लेगा। लेकिन आपने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है इस सरकार के कानून तक अपनी आवाज पहुंचाने का, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। अभी मन्ना जी कह रहे थे कि भाई भारतीय मजदूर संघ से बाकी लोग आएंगे, मैं भारतीय मजदूर संघ से हूं, लेकिन भारतीय मजदूर संघ का एक संगठन है नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स, उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते और दिल्ली प्रदेश बैंक वर्कर्स के महामंत्री के नाते आपका यह जो धरना है उसको समर्थन करने के लिए आया हूँ। जैसे कि भंडारी जी ने कहा कि ये संगठन बनने में हमारा योगदान है, तो हम तो लोगों को जोड़ने का काम करते हैं कि लोग जुड़े। आज बहुत से और संस्थाएं भी इस धरने को समर्थन देने के लिए आए हैं, उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि एक कॉज के लिए, एक समस्या के लिए, जब वो समस्या सबकी है तो सभी को मिलकर लड़ना पड़ेगा, चाहे वो कैसी भी समस्या हो, तो वो भी सभी बधाई के पात्र हैं संगठन जो कि यहाँ पर आए हैं। मैं अपनी बात ज्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत से लोग आज यहाँ बात करने वाले हैं, मैं दो चार चाहूँगा कि आप नारे लगाएं, कारण की के धरने में सिर्फ भाषण के अलावा आवाज उठाने, आवाज वहां तक जाने के लिए भी चाहिए, तो दो चार नारे लगाऊंगा, कहूंगा कि सभी लोग उसका जवाब दें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज है। हमारी मांगे जायज है,